आप लोग सब इस बात के साक्षी हैं, हरियाणा पुलिस एक बहुत ही कर्मठ और बहादुर फौज रही है। इसने आतंकवाद जैसी समस्या से निपटा है और वर्तमान समस्या भी इसी तरीके से अपने योग्यता के बलबूते पे, अपनी कर्मठता के बलबूते पे हरियाणा पुलिस इससे निकलेगी बाहर और अच्छा काम करेगी। खासतौर पर जाट आंदोलन की यदि बात की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म जो इस टाइम चल रहा है और अभी फिर दोबारा टाइम दिया हुआ 1 तारीख, क्या लगता है कि मतलब उसमें कितना का आप पहले भी इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो जितना ये फेरबदल हुआ उसी वजह से हुआ है और फेल हुई है कहीं ना कहीं पर इंटेलिजेंस? मैं पहले क्या हुआ उसके बारे में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा पुलिस सभी चुनौतियों को निपटने के लिए सक्षम है और वो अपनी योग्यता के बलबूते पर ही इन सभी समस्याओं से पार पाएगी। सर मेरा सवाल भी है, प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, जैसा मैंने बताया, हरियाणा पुलिस एक कर्मठ और योग्य पुलिस बल है। पहली प्राथमिकता यही होगी कि उसके व्यावसायिक मापदंडों को ऊंचा किया जाए, जो पहले से ही बहुत ऊंचे रहे हैं लेकिन उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। जो फोर्स है उसके मनोबल को बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जाएगा और फोर्स के साथ में जो इंटरेक्शन ऑफिसर्स का है उसको लगातार बढ़ाया जाएगा। जो वल्नरेबल क्रॉस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। जवानों की जो सुविधाएं हैं, उनकी पुलिस लाइन्स में सुविधाएं या रहने की सुविधाएं या थानों में जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जाएगा। और पुलिस को कानून के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए जो एक रिवार्ड और पनिशमेंट की तर्कशील पॉलिसी होती है उसको लागू किया जाएगा। इस पूरे पिछले कुछ महीनों में पुलिस की छवि पर भी काफ़ी असर पड़ा है, इस छवि को दोबारा से सुधारने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी रही? देखिए, जैसे मैंने बताया, ये मैंने स्ट्रेटेजी ही बताई आपको कि उनके साथ में लगातार ऑफिसर्स संपर्क करेंगे और जहाँ जहाँ कोई कमी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे है, चाहे वो उनके जो साज सामान है उनकी उपलब्धता के बारे में है, या कहीं मैन पावर की शॉर्टेज है उसको दूर किया जाएगा और उनका मनोबल बढ़ा के उसी पुलिस फोर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो जनता के प्रति जवाबदेह हो, कानून के प्रति जवाबदेह। सिंह सर, अगर मुरथल की बात करें तो मुरथल में कुछ खामियां कोर्ट ने भी उजागर की थी, आप किस तरह से हैंडल करेंगे? देखिए, मुरथल के बारे में मैं यहाँ ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि एक SIT उसमें बनी हुई है और माननीय हाईकोर्ट जो है उसकी विवेचना भी कर रहा है और उसको सुन भी रहा है, इसलिए मेरा इससे ज़्यादा उसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर, आपने मनोबल 2-3 बार कहा, मनोबल मनोबल एक ऐसी चीज है उसको जितना ऊंचा करे उतना ही ऊंचा चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनोबल नीचा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि जो मनोबल है उसको और ऊंचा किया जाएगा।